हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है कैच मी इफ़ यू कैन ये एक सच्ची कहानी है और इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं फ्रांस की जेल के बाहर एक एफ का एजेंट कार्ल खड़ा होता है और कार्ल फ्रेंक नामी एक कैदी से मिलना चाहता है जो कि एक अमेरिकन है अब कार्ल जेल के अंदर जाकर फ्रैंक से मिलता है तभी फ्रैंक कहता है कि मेरी मदद करो और ये कहते ही वो बेहोश हो जाता है और पुलिस वाले इसे सेल से बाहर ले आते हैं लेकिन वहाँ की जो पुलिस होती है वो फ्रैंक को लेकर बहुत लापरवाह होती है और कॉल इनसे बातें करना लगता है और इसी का फ़ायदा उठाते हुए फ्रैंक वहाँ से भाग जाता है लेकिन फ्रैंक ज़्यादा दूर नहीं जा पाता इसलिए वो इसे दोबारा से पकड़ देते हैं अब यहाँ से कहानी फ्लैश में जाती है और फ्लैश में फ्रेंक अपने पेरेंट्स के साथ एक क्लब की पार्टी में बैठा होता है जहाँ फ्रेंक के फ़ादर को एवॉर्ड दिया जाता है फ्रेंक की फैमिली बहुत ही खुशहाल फैमिली होती है लेकिन इसके फ़ादर को बिज़नेस में नुकसान हो चुका होता है इसलिए वो एक बहुत बड़े बैंक से लोन लेने जाते हैं और जब वो इस बैंक में जाते हैं तो फ्रेंक को अपना ड्राइवर बनाकर लेकर जाते हैं ताकि इंप्रेशन अच्छा पड़े लेकिन बैंक में जाने के बाद बैंक इन्हें लोन नहीं देता जिसकी वजह से इनका घर भी इनसे छीन जाता है और अब इन्हें एक छोटे से घर में शिफ्ट होना पड़ता है अब फ्रैंक का जिस दिन बर्थडे होता है तो इसके फादर इसका बैंक अकाउंट खुलवाते हैं जिसमें पच्चीस डॉलर होते हैं और वो चेक फ्रैंक को दे देते हैं इसके बाद फ्रेंक नए स्कूल में जाता है और वहाँ के बच्चे पहले ही दिन इसे छेड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन फ़्रेंक इन सब का टीचर बन जाता है और वहाँ सब स्टूडेंट को बेवकूफ़ बनाते हुए एक हफ़्ते तक इनकी क्लास लगा कर रखता है बाद में ये बात स्कूल के प्रिंसिपल को पता लग जाती है और वो इसके पेरेंट्स को शिकायत करते हैं अब अगले सीन में हम देखते हैं एक दिन फ्रेंंक जब घर आता है तो इसके फादर का एक दोस्त इसकी माँ के साथ इसके घर होता है दरअसल इसकी माँ का और इसका काफ़ी दिनों से अफेयर चल रहा होता है जिसकी वजह से कुछ ही वक्त बाद फ्रेंक की माँ बाप का तलाक हो जाता है तलाक के दौरान फ्रेंक से ये पूछा जाता है कि वो अपनी माँ के साथ रहना चाहता है या अपने बाप के साथ लेकिन फ्रेंक दोनों में से किसी के साथ नहीं रहता और वो घर से भाग जाता है अब फ्रेंक घर से भाग चुका है और इसके पास पैसे नहीं होते तो वो जहाँ भी रहता है तो वो बार बार इसी चेक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है जो इसके पिता ने दिया था इसके बाद फ्रैंक नकली चेक के जरिए कई बार बैंक से पैसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन इस काम में फ्रैंक को ज़्यादा कामयाबी नसीब नहीं होती तभी वो एक पायलट को दिखता है जिसके आसपास काफ़ी लड़कियां होती हैं तो फ्रैंक के दिमाग में एक आइडिया आता है तो वो पहनना भी एक कंपनी में न्यूज़ राइटर बनकर वहाँ के एक सीनियर पायलट ऑफिसर से पायलट बनने की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है कि पायलट का रूटीन क्या क्या होता है और इन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और फिर फ्रेंक पायलट की नकली यूनिफॉर्म पहनकर एयरपोर्ट के स्टाफ में घुस जाता है और ऐसे करता है कि जैसे वो सचमुच का पायलट हो और वो पेन एयरबेस के काफ़ी नकली चेक भी बना लेता है और इनसे बैंक से कैश करवाना शुरू कर देता है और चेक पाने के लिए अलग अलग बैंकों में अपने जाली अकाउंट खोलता है और इन पर पेन एयरबेस का स्टिकर और चेक का कोड नंबर भी तब्दील करते रहता है जिससे जिस ब्रांच का वो चेक होता है वो इस ब्रांच में ना जाकर किसी दूसरे ब्रांच में चला जाता है और इस चालबाजी में पूरा दो तो हफ्ते का वक्त लग जाता है और जब तक बैंक को पता चलता है कि इनके साथ फ्रॉड हुआ है तब तक फ्रैंक वहाँ से नौ दो ग्यारह हो जाता है जैसा ये वो वक्त था जब बैंक का निज़ाम कंप्यूटराइज नहीं हुआ था अब इसके बाद फ्रेंक कई मुल्कों में फ्री में सफ़र करता है और अलग अलग मुल्कों में वो पेन एयरबेस के नकली चेक से कई बैंकों में 2.8 मिलियन का फ्रॉड कर लेता है और अब इसकी खबर एफबीआई वालों को पहुंच जाती है और इस केस को हैंडल करता है कार और कार इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए फ्रेंक के होटल तक पहुँच जाता है लेकिन फ्रेंक कार को देख बिल्कुल भी घबराता नहीं और ख़ुद को सीक्रेट सब्र आदमी बताता है और वो कार को बातों में लगाकर वहाँ से भाग जाता है और इस तरह कार फ्रेंक के हाथों बेवकूफ़ बन जाता है इसके बाद कॉल को यह पता चल जाता है कि फ्रेंक अभी नाबालग है और वो इन सभी नाबालग बच्चों की जो घर से भागे हुए हैं इनकी डिटेल निकालता है और इस तरह कॉल आकर फ्रेंक की माँ के घर तक पहुँच जाता है और जब फ्रेंक की माँ फ्रेंक की तस्वीर दिखाती है तो वह कॉल इसे पहचान लेता है वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं फ्रेंक एक पार्टी देता है जिसमें बहुत सारी लड़कियां होती हैं और इस पार्टी में एक लड़का गिर जाता है और जब फ्रेंक इसे हॉस्पिटल लेकर जाता है तो माँ फ्रेंक की मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि एक नर्स होती है और इसका नाम होता है ब्रेंडा फ्रेंक को ब्रेंडा से प्यार हो जाता है और वो ये फैसला करता है कि वो इसके साथ हॉस्पिटल में काम करेगा इसलिए वो मेडिकल की एक नकली डिग्री बनाता है और इससे इस हॉस्पिटल में जॉब मिल, uh. तो इस मिल जाती है और अब फ्रेंक एक डॉक्टर है और फ्रेंक ब्रेंडा के पेरेंट्स से मिलता है और ब्रेंडा के फादर एक वकील होते हैं और फ्रेंक यहाँ इन्हें चूना लगाते हुए कहता है कि वो डॉक्टर की डिग्री करने से पहले वो एक वकील भी था और इसने इसकी एक साल तक प्रैक्टिस भी की थी लेकिन ब्रेंडा के फादर इसके झूठ को पकड़ देते हैं और अब फ्रेंक मान जाता है कि वो ना डॉक्टर है ना वकील बल्कि एक आम लड़का है जो आपकी बेटी से प्यार करता है और इस बात से इम्प्रेस होकर ब्रांडा के फादर रिश्ते के लिए मान जाते हैं वहीं दूसरी तरफ कॉल फ्रैंक के फ़ादर के घर जाता है और वहाँ से फ्रैंक के एक लेटर के जरिए कॉल को फ्रैंक की लोकेशन का पता लग जाता है और वो एड्रेस होता है अटलांटा जॉर्जिया का लेकिन कॉल के जाने से पहले ही फ्रैंक वहाँ से जा चुका था लेकिन इसकी डॉक्टर की जाली डिग्री वहीं होती है और अब कॉल को यह पता लग जाता है कि फ्रैंक अब एक जाली डॉक्टर बना हुआ है दूसरी तरफ फ्रैंक और ब्रेंडा की शादी हो रही होती है लेकिन इसी वक्त काल फ्रैंक को पकड़ने वहाँ पहुँच जाता है और फ्रैंक कॉल को देख लेता है और वो ब्रेंडा को लेकर एक कमरे में जाता है और इस तरह अपने बारे में सारी सच्चाई बताता है और वहाँ से भागने से पहले ठीक दो दिन बाद मियामी एयरपोर्ट पर मिलने को कहता है और ठीक दो दिन बाद वो ब्रेंडा से मिलने मियामी एयरपोर्ट पर आता है लेकिन फ्रैंक को पता चल जाता है कि वहाँ पर इर्द गिर्द बहुत सी एफ एजेंट भी इसे पकड़ने के लिए आए हुए हैं और इसलिए वो ब्रेंडा से मिले बगैर ही वहाँ से चला जाता है और अब फ्रैंक मियामी से भागने के लिए दोबारा से पायलट बनकर आखिरकार एफ वालों को धोखा देते हुए वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और वहाँ से वो जाता है सीधा फ्रांस और फ्रांस में जाने के बाद वो जैली चेक बनाने वाली मशीन ले लेता है और इसके जरिए वो करोड़ों डॉलर चोरी कर लेता है और इस बात का पता कॉल को लग जाता है कि फ्रैंक अब चेक्स प्रिंट कर रहा है और वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करके इन सभी मुल्कों की फैक्ट्रियों के बारे में मालूम इकट्ठी करते हैं जहाँ जहाँ कैश चेक बनाए जाते हैं तो इसमें से एक फ्रांस भी था तो कॉल को याद आता है जब कॉल की फ्रैंक की माँ से मुलाकात हुई थी तो उसने बताया था कि वो फ्रैंक के फादर से पहली बार फ्रांस में ही मिली थी और अब काल भी फ्रांस की इस फैक्ट्री तक पहुंच जाता है जहां फ्रेंक चेक छाप रहा होता है और इस तरह फ्रैंक को फ्रांस में पुलिस पकड़ लेती है और अब कहानी मौजूदा वक्त की दिखाई जाती है जहां काल इसे फ्रांस की जेल से छुड़ा कर अमरीका ले जा रहा होता है और अब कॉल को फ्रेंक के फादर की मौत की खबर देता है कि वो मर चुके हैं और इस बात से फ्रैंक को बहुत दुख होता है और वो बाथरूम जाता है लेकिन एक बार फिर फ्रेंक कॉल को धोखा देते हुए प्लेन के लैंड करते ही वहाँ से भाग जाता है और सीधा अपनी माँ के घर जाता है और वो वहाँ देखता है कि इसकी माँ की शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी भी है लेकिन तभी कॉल भी वहाँ पहुँच जाता है और इसे पकड़ लेता है और फ्रेंक को बारह साल की सजा हो जाती है एक बार कार्ल फ्रेंक से मिलने जेल में जाता है और इस दौरान कार्ल फ्रेंक से एक बैंक फ्रॉड के, के केस के सिलसिले में मदद मांगता है और फ्रेंक कहता है कि मुझे वो चेक दिखाओ तो फ्रेंक इस चेक की पूरी डिटेल बता देता है इसके बाद फ्रेंक बहुत सारे बैंक फ्रॉड केसेस में एफ बी आई वालों की मदद करता है जिसकी वजह से वो वे फैसला करते हैं कि क्यों ना फ्रेंक को एफ बी आई में शामिल कर लिया जाए और अब कार्ल फ्रेंक की सज़ा माफ़ करके इसे एफ बी आई में नौकरी दे देता है और इसी इसके यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है